जय हिंद। वक्त हो चला है रेवाड़ी की सुबह की बड़ी खबरों का। तो आपको बता दें कि महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी है। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। खोल थाना क्षेत्र के गांव नंगल जमालपुर में महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। मायका पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए खोल पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को दो शिकायत में जिला अलवर के गाँव जाट पैरोड निवासी हेमंत महलावत ने बताया कि उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी नवंबर 2021 के गांव नांगल जमालपुर निवासी के साथ हुई थी और अब उसने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। हमें ससुराल पक्ष पर संदेह है, इसलिए केस दर्ज किया जाए। पुलिस ने केस दर्ज की जांच शुरू कर दी है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें कि पंजाबी धर्मशाला में 19 को योग ध्यान कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं मनेठी उप तहसील में नेत्र जाँच शिविर कल लगाया जाएगा। कुंड बस स्टैंड स्थित उप तहसील मनेठी प्रांगण में 19 जून को रीति आई केयर अस्पताल के सौजन्य से 18वां निःशुल्क नेत्र जांच लगाया जाएगा। अगर आपको आँख से संबंधित कोई बीमारी है तो आप अपनी जांच करवा सकते हैं। अनाज मंडी से 1 लाख की कीमत की सरसों चोरी करने के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हमने अपनी खबरों में बताया था, मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शहर की नई अनाज मंडी के एक व्यापार की फड़ पर रखी सरसों के 19 कट्टे चोरी के लिए ले जाने के वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के आरोपियों की पहचान जिला महेंद्रगढ़ के गाँव पृथ्वीपुरा निवासी के रूप में हुई है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें, प्री मानसून की बारिश हुई है। पूरे जिले के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है और भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। देखिए, जो अधिकतम तापमान है वो लुढ़ककर 39 डिग्री पर पहुंच गया है और रात को ठंड भी महसूस की गई है। इसके साथ ही 21 जून तक ये प्री मानसून की बारिश होती रहेगी और फिर 30 जून को जो मानसून आ जाएगा हरियाणा में, तो फिर उसके बाद भी अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखना न भूलें। धन्यवाद।